यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर रहे केशरीनाथ त्रिपाठी का निधन। पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे केशरीनाथ त्रिपाठी। केशरीनाथ त्रिपाठी को कानून की थी अच्छी जानकारी। यूपी विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी का 88 साल की उम्र में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 8 जनवरी को सुबह करीब 5 बजे अंतिम सांसें ली। केशरीनाथ त्रिपाठी 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे। 10 नवंबर 1934 में उनका जन्म हुआ था। बता दें कि 30 दिसंबर 2022 को तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। हालांकि उसके बाद 4 जनवरी को तबियत में सुधार होने पर डिस्चार्ज होकर वो घर आ गए थे और इसके बाद उनका इलाज घर पर ही चल रहा था। बताया जा रहा है कि तबियत में सुधार होने पर केशरीनाथ त्रिपाठी को आज ही लखनऊ के SGPGI में भर्ती कराया जाना था। परिवार के मुताबिक आज शाम 4 बजे प्रयागराज के रसूलाबाद घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशरीनाथ त्रिपाठी के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वरिष्ठ राजनेता, भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल आदरणीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पूर्ण आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दें। ओम शांति। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी शोक जताते हुए कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता, पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के गौरव, हम सभी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शक आदरणीय पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी जी के निधन से अत्यंत दुखी हूँ। भारतीय जनसंघ से भाजपा तक जीवन भर कार्य करने वाले पंडित जी का निधन पार्टी व राजनीतिक जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। आपको बता दें कि 88 साल के केशरीनाथ त्रिपाठी कानून के जानकार थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ थे। केशरीनाथ त्रिपाठी ने 2004 में जौनपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। यूपी विधानसभा के स्पीकर के रूप में और यूपी बीजेपी अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया। पश्चिम बंगाल का गवर्नर रहते हुए उनके पास बिहार और त्रिपुरा का अतिरिक्त प्रभार भी था। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ शिल्पी सेन की रिपोर्ट, यूपी तक।